जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर बच्चे आपका 2 एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर बच्चे 1 है इसका पहला जो आज हम हल करेंगे। तो बच्चों ये आपके अक्सर तो शॉर्ट पेपर में आता है लेकिन बच्चों ये लॉन्ग भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बच्चों देख लीजिए जरा अगर अल्फा बीटा मुसावात एक्स का स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू के रूट्स हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम करें। तो बच्चों देख रहे हैं आपके पास पहले सब कुछ रूट्स भी दे दिए हैं मुसावात भी दी हुई है तो सिर्फ आपने बच्चों इसकी कीमत निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए पहले हम इसके एबीसी की कीमत निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए सवाल को इतने दोबारा लिख लें क्योंकि वो तो सवाल लिखा हुआ था। बच्चों जब हम हल करेंगे तो हमने इसको दोबारा लिखना है तो एबीसी की कीमत निकालेंगे क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाला तो ए बच्चों बराबर 1 के आ जाएगा, बी बराबर आपका पी के और सी बराबर बच्चों आपका क्यू के। पहले हम रूट्स का मजमू निकालेंगे क्योंकि बच्चों देखिए आपने मालूम कर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर तो ये वाला फार्मूला ही हमें आपका अप्लाई होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ए भी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ये बच्चों ये आपका उसी तरह फार्मूला होता है ए जमा बी का स्क्वायर जिस तरह होता है जो कि बराबर होता है आगे ए का मुरब्बा प्लस बी का मुरब्बा प्लस 2 * ए भी। तो यहाँ पे हम ए भी की जगह पे अल्फा प्लस बीटा लगा देंगे। तो बच्चों आपने ये कीमत मालूम करी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो उसके लिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। या बच्चों आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप क्या करें ये 2 ए बी इस तरफ ले तो आपका ये माइनस का हो जाएगा तो आपने जिसकी कीमत निकालनी है वो आपके एक तरफ आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला ए बी की जगह पे आप बच्चे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों आपको इसमें ए प्लस बी और अल्फा इंटू बीटा की कीमत आपके पास होनी चाहिए। और बच्चों हमें पता है आप लोगों को कि ए प्लस बी रूट्स का मजमू होता है और ए माइनस ए इंटू बी आपका रूट्स का हासिल ज़र्ब होता है। तो इसको बच्चे उसी तरह पहले हम निकालेंगे रूट्स का मजमू जो के बराबर बच्चे होता है अल्फा प्लस बीटा के और ये आगे बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। तो कीमत दर्ज कर दे बच्चे बी की कीमत आपके पास पी है ए की कीमत आपके पास एक है तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया पी के। ये बच्चों आपके पास अल्फा प्लस बीटा की कीमत निकल आई। अब अल्फा इंटू बीटा की कीमत निकाल लें जो कि आपके बच्चे शेयर करते हैं रूट्स के हासिल ज़र्ब को अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है सी बटा एक है और सी की कीमत आपके पास है क्यू क्यू बटा एक। तो इस तरह बच्चों अल्फा इंटू बीटा की कीमत आपके पास आती है क्यू के। अब बच्चे आपकी मर्जी है चाहे ऊपर वाले इस फार्मूले में कीमत दर्ज कर दें फिर भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप पहले जिसकी कीमत निकालनी उसे एक तरफ कर लेते हैं और ये कीमत दर्ज कर देते हैं फिर भी आपका ठीक हो जाएगा। ये वाला बच्चों फार्मूला आपने अप्लाई करना है या आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है दोनों में से जो मर्जी आप फार्मूला अप्लाई कर लें दोनों सूरत में बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। बेसिक आपका जो फार्मूला है उसको आपने याद रखना है। इसको अक्सर स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं जब रट्टा लगाते हैं तो उनको ये जमा माइनस का पता नहीं चलता कि यहाँ क्या आएगा। तो बच्चों बेसिक फार्मूला आपका यही है इसी को हमने जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत निकाल ली थी उसको हमने एक तरफ कर लिया बाकी रकम आपने एक तरफ कर ली इस तरह करके कीमत पुट कर ले या आप इसी तरह खड़ा रहने दीजिए फार्मूला जो आपका है ए भी लिखा हुआ तो वहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे तो ए का स्क्वायर या फिर अल्फा का स्क्वायर आ जाए बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लगा बी के स्क्वायर के बीटा स्क्वायर लग जाएगा ए बी की जगह पे अल्फा इंटू बीटा लगा दे चाहे इसमें बच्चे दर्ज कर दे दोनों सूरतों में आपका जो होता है आंसर ठीक हो जाएगा और बच्चों तरीकाकार भी आपका ठीक है। तो आप ये वाला अगर फार्मूला बच्चे अप्लाई करना चाहे तो आप ये फार्मूला लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और ये बच्चों बराबर आपके अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये बच्चों आपका फार्मूला है। तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की कीमतें दर्ज करने से तो बच्चों इसमें कीमतें हम दर्ज कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर आपके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की कीमत बच्चों आपके पास है पी तो ये आपका आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा बीटा और ये कीमत बच्चों आपके पास है क्यू के। तो इस तरह बच्चों आपके आंसर निकलेगा पी का स्क्वायर 2 क्यू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और ये बच्चों कंडीशन है इसी की हमने कीमत निकाल ली थी और ये बच्चों आपका आंसर है। 2 नंबर का भी आपके पेपर में आ सकते हैं आपके पेपर में लॉन्ग भी आ सकते हैं। इस सवाल पूरे सवाल के लिए बच्चों इसके 3 से 4 जो है तो सेम एक ही फार्मूला आपके अप्लाई होगा इसी फार्मूले को बच्चों आपने जेहन में रखना है इसको रट्टा नहीं लगाना। तो
अगर ऐसा मेरी ये डिस्टेंस आपका फार्मूला है, इसी को आगे पीछे करके जिसके आपने कीमत निकाली उसे एक तरफ कर ले, जिसकी कीमत मालूम हो उसे आप दूसरी तरफ करके आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।